नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी की सरकार को जमकर कोसा। कहा कि विपक्षी नेताओं को जो की जुबान बंद करने के लिए सरकार झूठे मुकदमे उन्हें फंसा रही है, खासकर सपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत यादव का मामला हो चाहे रामपुर में आजम खान का, सरकार इन सबको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में रखना चाहती है। सरकार को बेरोजगारी और महंगाई की चिंता नहीं है। सरकार 2024 की चुनावी तैयारी के साथ अभी से बिछाने में जुट गई है। आपको बता दें कि बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव इन दिनों जहरीली शराब कांड सहित कई मामलों में निरुद्ध है और मंडलीय कारागार में बंद है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि रमाकांत यादव 20 साल पुराने जिस मुकदमे में आरोपी हैं, उस मुकदमे में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन सरकार ने फर्जी मुकदमे आरोपी बनाकर जेल में रखी है। भाजपा सरकार की साजिश केंद्र से लेकर प्रदेश तक चल रही है। सीबीआई ईडी और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन सरकार को बधाई दी और कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में परिवर्तन होगा और भाजपा का बुरा हश्र होने वाला है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि पुराने गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के दूसरे हिस्से से लोगों का आना जाना आसान हो जाता है। किस मोर्या के सर बयान आया कि सरकार संगठन से बड़ा होता है कुछ कहेंगे? ये सरकार जाने वाली है। आप देखिएगा, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जनता देख रही है महंगाई। दूध दही पर जीएसटी लगा दिया। कभी इन्होंने जवाब दिया कि दूध दही पर जीएसटी क्यों लग गया? क्यों अमूल को आप मुनाफा दे रहे हैं आप? और अमूल चाहता है कि 1,00,000 करोड़ का मुनाफा हो जाए, आप जीएसटी लगा रहे हो दूध दही पर, घी पर। क्या जवाब है इनके पास? अभी आपका सावन था, अब सावन में बताओ अगर शिव भक्तों को जाना पड़ा होगा तो दूध जो चढ़ाया होगा वो जीएसटी नहीं था क्या? जो लोग इस तरह जीएसटी ले रहे हो, और अभी वृंदावन में जो जान चली गई, जितना वृंदावन में विकास हुआ है उसमें लूट हुई है बड़े पैमाने पर। सर, एक आप वहाँ जा रहे हैं त्योहार मनाने, पूरा पुलिस फोर्स आपका इंतजार कर रही है, और जब आप चले आए तो श्रद्धालुओं को ऐसी छोड़ दिया, कोई व्यवस्था नहीं की। तो सर, आप कह रहे हैं 24 सरकार बनाने की, लेकिन विपक्ष में कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है जो मोदी को टक्कर दे सके। आप देख क्यों नहीं पा रहे हो? अच्छा, आप टक्कर देने की बात कर रहे हो। आप ये बताओ, जिनसे टक्कर लेनी उन्होंने कोई ऐसी सड़क बनाई हो जिसपे खुद हवाई जहाज से उतर गए हो, तो आप बताओ इसका जवाब है आपके पास? हमारे पत्रकार साथी अब गूंगे हो गए। मैं पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं, जो जवाब मांग रहा है हम लोगों से, वो बताएं कि उन्होंने कोई अपनी ऐसी सड़क डिजाइन की हो बीजेपी ने, खुद बुंदेलखंड डिजाइन की, हवाई जहाज तो नहीं उतर पाया ना उसमें, ये डिजाइन थी समाजवादियों की, इसलिए हरकुलस उतर गया, इसलिए प्रधानमंत्री उतर गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने ऐसी कोई डिजाइन की सड़क खुद, जिसमें खुद का हवाई जहाज उतर गया हो? सर, ईडी भी। और आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनके तैयार है, अब इसको हम खुशकिस्मती समझें या अपना दुर्भाग्य समझें, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, इसीलिए नहीं चालू हो रहा एयरपोर्ट। उन्हें डर यह है कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा समाजवादी लोग आ जाएंगे, इसमें उतरने लगेंगे, इसीलिए चालू नहीं कर रहे। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुई सर ईडी की, क्या कहेंगे? उन पे भी शराब की कर दी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। आपको डर नहीं लगता? अब क्या डर लगेगा? चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था सर, चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था कल, क्या? मैंने कभी, मैं ये नहीं पढ़ता ये चीज। अच्छा सर, ये 24 की तैयारी ये है, बीजेपी की तैयारी ये है कि विपक्ष को जेल भेज दो, झूठा फंसा दो, झूठा प्रोपेगंडा कर दो। लेकिन एक उम्मीद जागी है बिहार से, बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का, ये घबराई हुई है बीजेपी। अगर हवा बिहार में ऐसी चलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी लोग। विधायक रमाकांत यादव पूर्व सांसद उनसे मिलने आए, बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज्यादा हो चुका है, इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल में लिया गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं, और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना,
उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज़ न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे यहाँ पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में, आजम खान साहब उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल दो नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपोगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं, आप बताइए। अच्छा, अगले से एक छोटे छोटे और एक दो सवाल है। विपक्ष में कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है जो मोदी को टक्कर दे सके। आप देख क्यों नहीं पा रहे हो कि अच्छा, आप टक्कर देने की बात कर रहे हो। आप ये बताओ, जिनसे टक्कर लेनी उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई हो जिसमें खुद हवाई जहाज से उतर गए हो, तो आप बताओ, इसका जवाब है आपके पास? अखिलेश भैया, हमारे पत्रकार साथी अब गूंगे हो गए। मैं पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं, जो जवाब मांग रहा है हम लोगों से, वो बताएं कि उन्होंने कोई अपनी ऐसी सड़क डिज़ाइन की हो बीजेपी ने, खुद बुंदेलखंड डिज़ाइन की, हवाई जहाज तो नहीं उतर पाया ना उसमें, ये डिज़ाइन थी समाजवादियों की, इसलिए हरक्यूलस उतर गया, इसलिए प्रधानमंत्री उतर गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने ऐसी कोई डिज़ाइन की सड़क खुद, जिसमें खुद का हवाई जहाज उतर गया हो। और आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनके तैयार है, अब इसको हम खुशकिस्मती समझें या अपना दुर्भाग्य समझें, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, इसीलिए नहीं चालू हो रहा है एयरपोर्ट। उन्हें डर ये है कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा समाजवादी लोग आ जाएंगे, इसमें उतरने लगेंगे, इसीलिए चालू नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की कार्रवाई हुई सर, ईडी की, क्या कहेंगे? उन पे भी शराब की गर्दी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। आपको डर नहीं लगता? अब क्या डर लगेगा? अच्छा, चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था सर, चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था कर्ज का, क्या उसमें? मैंने कभी, मैं ये नहीं पढ़ता ये चीजें। अच्छा सर, ये 24 की तैयारी को लेकर क्या? 24 की तैयारी ये है, बीजेपी की तैयारी ये है कि विपक्ष को जेल भेज दो, झूठा फंसा दो, झूठा प्रोपेगेंडा कर दो। लेकिन एक उम्मीद जागी है बिहार से, बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का, ये घबराई हुई है बीजेपी। अगर हवा बिहार में ऐसी चलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी लोग तैयारी करेंगे, जिससे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। विपक्ष यहाँ भी एक हो सकता है, सपा बसपा फिर एक साथ आ सकते हैं क्या? समाजवादी पार्टी इस बार जो हमारे पास गठबंधन में साथी हैं उनके साथ ही चुनाव लड़ेगी, कोई नया गठबंधन नहीं। नीतीश कुमार जी को आपका किस तरह से समर्थन? मैं उनको बधाई देता हूँ, तेजस्वी जी को बधाई देता हूँ कि दोनों ने आकर के कम से कम बिहार को और देश को बचाने की शुरुआत की। नीतीश जी पे सहमति बनेगी सर पीएम से, अगर वो कोई प्रत्याशी घोषित? आप ही तय कर दो कौन बनेगा पीएम। पहले तो कह रहे